ये एंटी लार्वा क्या होता है, ये है कि अभी जो बीमारियां आ रहे हैं जिसमें जीएचएम से एंटोमोलॉजी टीम होती है, जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, इसके अलावा भी आप लोग जो देख रहे हैं COVID-19 भी चल रहा है, इसमें ख़ास तौर से नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डोर टू डोर जीएचएमसी वाले जाके वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग जो होती है, मॉस्किटो की पैदावार जो होती है, उसको किस तरीके से हम रोकना चाहिए और हम कैसे हमारा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, वो ये सब चीज़ के लिए ये 3 दिन आसिफ नगर डिवीज़न में घर घर जाएंगे, जाके बताएंगे कि जो आपने पानी जमा हुआ है जस्ट वेस्ट, अभी आपने देखा कि पूरे जो अक्सर घरों के अंदर जो जो सामान के अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है वो हम आपको डिस्प्ले करके बताए हैं। तो ये जो है ये स्पेशल ड्राइव के तौर के ऊपर हम ये चालू करे हैं, ये 3 दिन कल तक के होंगे, कल भी हुआ काम, आज भी हो रहा है और इंशाल्लाह कल भी होगा, इसमें 3 दिन में आसिफ नगर डिवीज़न कम्प्लीट हो जाएगा। उसके साथ परसों थर्सडे से अहमदनगर डिवीज़न स्टार्ट होगा, ऐसा नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे एरिया के अंदर स्पेशल ड्राइव किया जाएगा और वहां जाके डोर टू डोर लोगों को न सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे बल्कि उनके पास जो भी ब्रीडिंग का पॉइंट्स है उस पर दवा भी डालेंगे। मेरे साथ में SC एंटोमोलॉजी मौजूद है और एंटोमोलॉजी के SC साहब है और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, AE एंटोमोलॉजिस्ट है, साबिखा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब है, जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब नुमाइंदा कारपेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मुद्दीन तमाम के तमाम मौजूद है। इसके अलावा AIMIM नामपल्ली के जानिब से तमाम मस्जिद मंदिर को सबके लिए हमने ये सैनिटाइज मशीन दिया था, 130 मशीन हमने तमाम मस्जिद मंदिर चर्चों को सप्लाई करा था, जिसका केमिकल होता है वो SC साहब है, वहाँ पे हर मस्जिद मंदिर जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे हम केमिकल हमारे कारपेटर हमारे सदर मोतमदीन के ज़रिए से उनको केमिकल हम पहुँचाएंगे ताकि ये लोग रेगुलर सैनिटाइज कर सके हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत यानी GHMC की सपोर्ट के लिए हम ये चीज़ आगे बढ़ के इसलिए करे हैं, न सिर्फ हम मशीन दिए हैं उसके साथ साथ हमारा जो मैन पावर होता है, जैसा मसलन फ़र्ज़ करिए मसाजिद के अंदर जो भी खादिमीन होते हैं उन लोग भी वहाँ पे सैनिटाइज कर सकते हैं, ये भी एक एडिशनल सपोर्ट के लिए करे हैं। तो जिसका केमिकल GHMC दे रहे हैं, मैं GHMC के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हम अब ये जो घड़ी के अंदर हम आपस में एक दूसरे को अवेयरनेस लाने की हमको कोशिश काम कर रहे हैं।
बात कर रहा है।